नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सागर में एक फादर ने किया सुसाइड। श्यामपुरा कब्रिस्तान के खंडहर में फंदे पर झूलता मिला शव। नोट में लिखा, मेरा शव दफनाया नहीं जलाया जाए। सागर के कैंट थाना क्षेत्र में स्थित श्यामपुरा कब्रिस्तान के एक खंडहर में फादर की मौत की खबर से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार किया। कैंट पुलिस के अनुसार श्यामपुरा कब्रिस्तान के पास एक खंडहर में शव लटका होने की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में शव को फंदे से नीचे उतारा। शव का पंचनामा तैयार किया गया। इसी समय शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक ने आत्महत्या का जिम्मेदार खुद को बताया और लिखा था कि मेरे शव को दफनाया नहीं जलाया जाए। जांच के दौरान मृतक की पहचान मिशनरी के फादर अनिल फ्रांसिस के रूप में की गई है। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने बिशप हाउस को घटनाक्रम की सूचना दी है। सूचना के अनुसार मृतक अनिल फ्रांसिस गढ़ाकोटा में मिशनरी स्कूल का प्रबंधन कर रहे थे और उनका घर बमहोरी रेंगुआ में स्थित था। बुधवार को बिशप हाउस में जिले भर में संचालित मिशनरी संस्थाओं के प्रबंधन की मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसमें वे भी शामिल थे। बैठक के बाद उनका पता नहीं था। लोगों ने उनके घर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं आए तो उनकी खोज की गई। उनका मोबाइल फोन भी बंद था। कुछ घंटों बाद कब्रिस्तान के पास खंडहर में उनका शव झूले से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने उनके पास से सुसाइड नोट जब्त किया, जिसमें अंग्रेजी में लिखा था कि मैं अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार हूँ, मेरे शव को दफनाया ना जाए बल्कि जलाया जाए। मामले में कैंट थाना पुलिस सुसाइड नोट को गोपनीय रखकर जाँच कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।